आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है इस बॉक्स, इस माइक का बॉक्स, और यहाँ पर लिखा रहा है अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन सर्विस LTD, और यहाँ पर लिखा रहा है मेरा नाम शुभम राज, और ये है मेरे एड्रेस और फोन नंबर जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। और फटाफट से हम बॉक्स को करते हैं ओपन। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे की तरफ से है जो सील ब्रेक है और सील जो लगा है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ से कोई सील नहीं होता है। तो मैं इसको फटाफट से यहाँ पर ब्रेक करता हूँ और देखते हैं दोस्तों क्या निकलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर निकला है बोया का ये माइक, जो कि और यहाँ पर लिखा रहा है बोया लेवियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रिएटिव, और यहाँ पर बाई M1 लिखा रहा है इसका मॉडल नंबर। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है बार कोड, जो कि आप स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि ये जो है ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो दोस्तों फटाफट से हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। और दोस्तों ये माइक मंगाने का ये रीज़न था क्योंकि यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो कम बजट वाले माइक में इसी को रिकमेंड करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा माइक होता है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ की फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसके सारे जितने भी हैं, और यहाँ पर दिया गया है फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया है 65 Hz टू 180 kHz तक, 18 kHz तक यहाँ पर दिया गया है। तो फटाफट से हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी। फटाफट से हम करते हैं इस बॉक्स को ओपन, और दोस्तों देख सकते हैं कि ये हो चुका है ओपन, और यहाँ पर आपको मिलता है एक पाउच जो कि एक लेदर का पाउच है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर बोया लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो पाउच है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है पाउच की वो भी काफ़ी अच्छी है। और देखते हैं कि इंटरनल में हम क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मिला है हमें बिल जिसमें लिखा है, और इसकी जो प्राइसिंग की अगर बात करें तो वो है, मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहता हूँ इसकी जो प्राइसिंग है वो है 1019 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1019 रुपये इसकी प्राइसिंग है, और ये काफ़ी सस्ते में पड़ा है। हालांकि इसकी जो ये ऑफर मैंने लिया था इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ा है, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है 1200 से 1250 रुपये रहती है हमेशा। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ कार्ड वगैरह, जो कि एक है यहाँ पर बोया बाई M1 का यहाँ पर यूज़र गाइड, जिसका अभी हमें कुछ काम नहीं है तो इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। और यहाँ पर आपको एक और कार्ड दिया गया है जिसपे लिखा रहा है नोटिस है फॉर स्मार्टफोन के लिए, यहाँ पर यानी कि अगर स्मार्टफोन में आप इसको प्लग करते हैं तो उसके लिए आपको ऑफ स्मार्टफोन स्विच को ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको स्मार्टफोन में सपोर्ट करवा सकते हैं। तो फटाफट से हम ये हो गए सारे बॉक्स इनका जिसका काम नहीं है, और हम फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि बाकी के जो बॉक्स कॉन्टेंट्स है वो यहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये है हमारा मेन बॉक्स, और तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस बॉक्स में आपको कुछ इस तरीके का माइक मिलता है, और ये जो केबल है वो सब बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इसका जो केबल है दोस्तों वो मिलता है आपको 20 फीट का। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर जो केबल होते हैं छोटे होने के कारण हम अच्छे से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर केबल बहुत ही बड़ी दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों मेन जो है हमारा ये है एक छोटा सा माइक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है इसका माइक, और ये काफ़ी छोटा है, और बिल्ड क्वालिटी जो पूरी तरह प्लास्टिक की है। हालांकि इसमें आपको सिर्फ एक जैक जो है 3.5 mm ऑडियो जैक वही आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3.5 mm मेटल का है, बाकी सब यहां पर प्लास्टिक और रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। और ये दोस्तों कंडेंसर जिसमें कि मेन जो सिस्टम होती है पूरी तरीके से इसमें लगाई गई है। और यहाँ पर दोस्तों देखते हैं बाकी के जो बॉक्स कॉन्टेंट्स है वो हमें क्या मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और पॉलीथीन का पाउच हमें देखने को मिलता है, तो इसको फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है एक और कंडेंसर जो कि आपको बड़े वाले माइक में लगाने के लिए दिया गया है स्पीकर्स वगैरह में। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक दिया गया है टेप जो कि आप लगाएंगे अपने माइक्रोफोन में कुछ इस तरीके से, और तब जा करके आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फटाफट से इसको मैं सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखलाता हूँ आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अभी इसको सेट कर लिया है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने पिन होल्डर जो है कॉलर में लगाने वाला वो भी मैंने सेट कर लिया, और जो कैप होती है उसको भी मैंने इसमें सेट कर लिया। और बाकी जो ये कंडेंसर है इसमें दोस्तों हम देखते हैं इसको ओपन करके और इसमें हमको क्या करना है। तो दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं और मैं आपको दिखलाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है, और इसमें ये कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर हमें ये दिया गया है बैटरी होल्डर जहाँ पर हम अपने बैटरी को होल्ड करके रखेंगे। दोस्तों इस बैटरी को मैं यहाँ पर एक बैटरी दी गई है छोटी सी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक छोटी सी बैटरी है जो कि इसमें दी गई है, और मैं इसको फटाफट से इसमें जो है वो होल्ड कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि आगे ये जो है वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अभी इसमें ये जो है होल्ड कर लिया है, इसे बैटरी को मैंने सेट कर दिया, और फटाफट से हम इसको जो है अब हम कैप को ओपन करके इसको फिर से हम अंदर कर देते हैं,
और तब फिर देखते हैं कि कैसा ये जो है वर्क करता है। और दोस्तों अभी फिलहाल मैंने जो है इसको अपने डिवाइस में, अपने स्मार्टफोन में मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और मैं अभी आपको इसको वीडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। और दोस्तों अभी जो है वीडियो क्वालिटी जो चल रही है, ये दोस्तों निकल गया, लेकिन दोस्तों जो इस जो वीडियो क्वालिटी जो सुन रहे हैं दोस्तों वो है इस माइक की, और मैंने इसको अभी अपने फ़ोन में प्लग करके रखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो ऑडियो की क्वालिटी है। अभी फिलहाल मैं इसको अपने कॉलर के पास रखा हूँ, तो आप दोस्तों सुन सकते हैं कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। और अभी फिलहाल मैं चुप होता हूँ, तो आप फिर आप देखेंगे कि जो है कितने नॉइज़ को ये लेता है। तो दोस्तों ये जो है हल्के फुल्के तो नॉइज़ जरूर ही लिए होंगे, मैंने फिलहाल जब वीडियो एडिट करूंगा तब पता चलेगा कितने सारे इसने नॉइज़ को जो है कैप्चर किया है। लेकिन फिलहाल दोस्तों देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पर नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि थोड़े बहुत ही नॉइज़ जरूर ही ले लिया होगा। तो दोस्तों ये जो माइक है ये काफ़ी अच्छा माइक है बजट सेगमेंट में। इसकी जो प्राइसिंग है वो 1,19 रुपये है और लगभग 1,100-1,200 रुपये है, लेकिन ऑफर में 1,19 रुपये में मुझे पड़ा था। तो दोस्तों अगर आप बिगनर यूट्यूबर हैं तो आप इस माइक को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे में 200-300 में माइक आती है लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो लाइव ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए मैंने बोया कि इस माइक को परचेज किया है। और दोस्तों अगर आप एक बिगनर यूट्यूबर एक अच्छा माइक खोज रहे हो, आप अपने बजट सेगमेंट हो 1,000 रुपये पे, ये आप बोया का ये M1 माइक आप ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा माइक है ये नॉर्मल यूट्यूबर्स के लिए, जो बिगनर यूट्यूबर्स हैं उनके लिए। और अगर आप नॉर्मल शूटिंग करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा माइक साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ को देखने के लिए।